Now, senior officers from the Mumbai Crime Branch are questioning both the arrested in this particular case. The accused were paid in advance, is what we are getting to know, to execute the attack. They had received arms delivery just a few days ago. The accused have been questioned by the Mumbai Police Crime Branch officials for the last 8 hours now. These are details that we have exclusively here on India Today. Going back to Arvind for more on this story. Arvind, आर्म्स की डिलीवरी जो है कहा जा रहा है कुछ चंद दिनों पहले हुई थी, अटैक कैरी आउट करने के एक 9mm पिस्टल आई बिलीव कैरी करी गई थी फॉर दिस अटैक, वाज यूज्ड टू कैरी आउट दिस अटैक. और क्या बता सकते हैं आप हमें इस वेपनरी के बारे में और जो ये प्लानिंग पूरी चली इस अटैक को एग्जीक्यूट करने में? देखिए, 9mm पिस्टल मोस्टली जो पुलिस फोर्स के लोग हैं वही यूज करते हैं और पुलिस फोर्स के लोग ही 9mm जो वेपन है उसका इस्तेमाल करते हैं. ये काफी सफोस्टिकेटेड वेपन मानी जाती है और ये बिश्नोई गैंग के पास इसका होना अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है. लेकिन लॉरेंस बिश्नोई या उसका गैंग वो सिर्फ सफोस्टिकेटेड वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं, लोकल वेपन का वो इस्तेमाल नहीं करते. आपने सिद्धू मूसेवाला में देखा होगा टर्की मेड पिस्टल, जिगाना जो पिस्टल है उसका इस्तेमाल करते हैं. तो 9mm पिस्टल का इस्तेमाल हुआ. अभी जो अक्यूज है उनकी डिटेल्स भी आई है इंडिया टुडे के पास. जो 2 अक्यूज इस मामले में अरेस्ट हुए हैं जिनके नाम गुरमैल सिंह बताया जा रहा है जो हरियाणा का रहने वाला है और धर्मराज राजेश कश्यप जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, इन दोनों को अरेस्ट किया है मुंबई क्राइम ब्रांच ने. सोर्सेज ये बताते हैं कि एक शूटर वो एब्सकॉन्डिंग है और जो इन बिश्नोई गैंग का मोडस ऑपरेंडी है कि इनको बकायदा सिग्नल ऐप के जरिए जो इनका हैंडलर है, मोस्टली इसमें अनमोल बिश्नोई हो सकता है, गोल्डी ब्रार हो सकता है, रोहित गोदारा हो सकता है, ये 3 ही एजेंसीज का स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि ये 3 ही हो सकते हैं. ये बाकायदा सिग्नल ऐप के जरिए इनको हर लोकेशन की जानकारी दे रहे होंगे बाबा सिद्दीकी की. और जो मुंबई पुलिस का दावा है कि 20 से 25 दिन पहले से ये रेकी कर रहे थे बाबा सिद्दीकी कहाँ की मूवमेंट कहाँ होती है, कहाँ नहीं होती है. और कल जैसा कि दशहरा था, काफी ज्यादा भीड़ भाड़ थी मुंबई में, काफी फायर क्रैकर भी बजाए जा रहे थे और उसी साउंड के बीच ये तीनों शूटर्स पहुंचते हैं और बाबा सिद्दीकी पर बेहद करीब से 9mm की पिस्टल से अटैक कर देते हैं, जिसमें बाबा सिद्दीकी को सोर्स बताते हैं कि 3 गोलियां लगी, उनकी मौत हो गई. अब बिश्नोई गैंग का नाम एक बार फिर सामने आया. इस वजह से मोटिव जो एजेंसीज को लगता है कि बहुत मुमकिन है कि सलमान खान से बाबा सिद्दीकी की जो करीबी है वो एक इम्पोर्टेंट मोटिव हो सकता है. इस वजह से मुंबई पुलिस इस मोटिव पर भी जांच आगे बढ़ा रही है और स्पेशल सेल, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम भी एक टीम मुंबई जाने वाली है. जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया है उसके बाद वहां पर जाकर जो अक्यूज है उनकी पूरी डिटेल लेगी. बहुत मुमकिन है कि ज्वाइंट इंटरोगेशन भी मुंबई पुलिस के साथ दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम करे. धन्यवाद ये सारे डिटेल्स लाने के लिए. सो इन्वेस्टिगेशन अरविंद वाज पॉइंटिंग आउट इज डीपनिंग इन दिस पर्टिकुलर केस.